Odin. बिल्ली ची नागिन निगानी मुंडा रा डोड़ा रे डागरा बिल्ली ची नागिन निगानी भाई रूम तो जो था ना उसकी दुष्पट डिस्कशन चल रही है यहाँ पे बहुत गंदा वाला ट्राई से बोलो क्या ये भाई हमारे यहाँ पे ना रूम वूम दिखा रहे फोन में अब मैं भी जब कन्फर्म होगा तभी दिखा पाएंगे रूम वूम बाकी सब खड़े हुए यहाँ पे ये हमारे यशु भाई है थक गए भाई थक गए लेकिन अच्छा भाई, अभी तो एक्साइटमेंट है थक गए लेकिन एक्साइटमेंट अभी भी है भाई भाई देखो सिंपल सी बात है कितना भी थक जाए बंदा पर बंदा को मस्ती करनी जरूरी है भाई क्योंकि भाई अभी तो कुछ नहीं है अभी सड़े हुए हम बस तब से बैठे हुए आ रहे उठ रहे सो रहे बैठे बस यही हो रहा है अभी जाके हम चल रहे हैं अभी मजा आएगा अभी देखते बाकी मजा तो भाई होटलिंग है रशियन हमारी भाई निम्पल हिला के दिखाओ बड़ा हरामी हो तो गाइस अभी हम बनाने वाले हैं तो हम हमारे कुछ खाने मतलब भाई कोल्ड ड्रिंक क्या नंबर से खा ले मिल गया हमें नॉर्मली जो भी चार्ज वाले में मिल गया और रूम में सीधा थोड़ा पक गए थे तो यहाँ पे बिरयानी का खाना खाने आया मतलब तो हमने ऑर्डर किया बिरयानी बाकी सब यहाँ पे देखिए सब बिरयानी खा रहे बिरयानी भाई हाँ भाई क्या खाना है वेजिटेरियन आदमी हूँ मैं जहर सी बात है रोटी दाल चल झूठा ऑर्डर किया भाई ने मेरे तरफ मेरा बिरयानी पड़ेगा तो गाइस फाइनली अभी हम रूम से खाना खाना ठूस ठास एकदम फुल स्वैग में आ चुके हैं कलंगुट बीच क्योंकि यार रात क्योंकि दिन ना निकल गया था तो हम पानी वानी में तो जान नहीं सकते बट यार देखो अब गोवा है तो एक दिन शांति से बैठा जाते नहीं है किसी वजह से तो इसलिए भाई हमें टाइम पास होना था तो भाई हम आ गए कलंगुट बीच A few moments later. तो हम ना यहाँ पे ना जो कलंगुट बीच है यहाँ पे सेकंड टाइम आए बाकी भाई को थोड़ा याद आ रहा है कि कहाँ से कहाँ गए थे पहले भाई ना यहाँ से एंट्री की थी और हम यहाँ पर नहाए थे पूरे टाइम यहाँ पे पूरे दिन नहाए थे जब पिछले बार आए थे अभी तो क्या है ना सब यहाँ से हम बागा की तरफ जा रहे हैं और फुल नाइट मौज करेंगे बागा पे अभी क्या है ना अभी यार रात हो रही है तो पानी में हम जा तो सकते नहीं है अलाउ भी नहीं है पानी में जाने का बट भाई सबके ना हाँ ट्रेन लेट हो गई हाँ मतलब ट्रेन ने सब कुछ सीन खराब कर दिया अभी सबका मन ही कर रहा है पानी पानी में जाने का सब ट्रेन जो था ना हवा में थोड़ी देर रुक गया है स्टेशन पे वो क्या है ना उसके थोड़ा टायर में दिक्कत आ गई इसलिए वो तो रुक गया वो तो इसलिए लेट हो गया हम बोझा था तो हमें रात में रुकना पड़ा अभी अब हमें रात में भाई को तुम पानी देखो यार ये पानी को देख के ना बंदा कोई भी बोल नहीं सकता यार कि अंदर ना जाए मतलब इतना मन कर रहा जाने की अभी घुस जाऊँ क्या करो यार इतनी गंदी वाली मजबूरी है ना बट हम सुबह जरूर आएंगे टाइम तो देखो अभी हम देखो नंगे पैर घूम रहे बिल्कुल देखो नंगे पैर है जूते ये रहे अपने भाई के साथ पानी तो आ गया तो थोड़ा बहुत पानी आ गया देखो पानी तो है थोड़ा बहुत पानी है ना जी बट मज़ा तो आ गया भाई देखो रात में मज़ा ही आ रहा है मतलब इतना नहीं है कि यार बोर हो रहे नहीं मजा तो आ रहा भाई फील तो पूरा आ रहा है यार ये देखो पागल हो रखे बंदे पागल अरे इधर नहीं इधर पागल हो गए अंदर मेरी बंदी का नाम मिलते मैंने किसी के अरमान यहाँ पे पानी पानी हो गए भाई आपने क्या लिखा था तेरी बंदी का नाम लिखा था वहाँ पे भाई कट कर देना प्लीज भाई मैं लिखा था बंदी का नाम तो यसका नाम लिखा था और ना आपने चुका इस वक्त भाई आपकी बंदी का नाम पानी पान भाई आपकी बंदी प्यार नहीं करती आपसे बिल्कुल भी भाई करती देखो भाई ये देखो अरे बस कर भाई
भाई कुछ हुआ बट भाई पानी का जो साउंड ना वो बिल्कुल मजा दे रहा भाई, मतलब सुकून सा आ रहा है। बट क्या करे यार, ठंड भी थोड़ी, बट ठंड का नाम तो है ही नहीं भाई, गर्मी इतनी गंदी को पसीने, देखो पसीने शायद आपको दिख रहे होंगे मे भी आपको, पर पसीने इतने गंदे आ रहे, मतलब गर्मी इतनी गंदी ना, तो मैं क्या ही बताऊं मैं। सही बात है, बिल्ली की नागिन निगान मुंडा रा डोड़ा रे डागड़ा, बिल्ली की नागिन निगान सारे एक देखो, आज फिर तू आई नहीं, याद तेरी आई थी, बेवजह ही बेवफा से बेपनाह उम्मीद जो लगाई थी, आज भी तू एक गुमान, आज भी तू शायरी। सीधे मौत, सीधे मौत फ्रॉम लक्ष्मी नगर। हाँ बज रहा है केटोन में सुबह से, वहाँ पे मैं सो रहा हूँ बंदी के चूचे मलाई का अरोड़ा, ऐसा भाई देखा आपने, हमारे पास सस्ती मलाई का अरोड़ा भी है, मौत भी सब यहाँ पे हमारे पास, सारे आर्टिस्ट पड़े चलेगी दादा, गोवा में घूम रहा हूँ गीला नहीं हूँ भाई, पानी गलत जगह छूट रहा ना भाई आपके, भाई भाई अरुण भाई आपके कान पानी छोड़ दिया भाई, बताओ एक दो तीन चिल्लाओ चिल्लाओ बच्चों को डराने की निंजा टेक्निक, तुम लोगों ने अरुण भाई को गेम शो समझ आ गया क्या, क्या? सोलह भाई देखा आपने लापरवाही का नतीजा है, पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। वे वे ओ पाद मत दियो भाई, हमारी मर्जी, हाँ के पाद पाद भी भाई तुम्हारी मर्जी है भाई, भाई के नसीब पाद का भाई 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 तुम भी तुम्हारी चाल दिखा, इसकी चाल दिखा, चाल लियो पापा की परी, दो पापा की परी की ये भाई हम कलंगूट से चलते 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 थोड़ी दूर आके बागा बीच की साइड आ गए, देखो ये ना थोड़ा बागा बीच स्टाइल में लिख रखा है, क्योंकि पता चलता है भाई यहाँ से बागा बीच स्टार्ट हो गया। ठीक है यार बागा बीच छोड़ा ना, अभी क्या है ना, पहले क्या ना, पहले शेक वेक होते थे, मतलब अब शेक तो अभी भी है, बट पहले क्या ना 10 बजे के बाद भी बचते थे, बट अभी क्या है ना 10 बजे के बाद बंद करते शेक, तो बिल्कुल साउंड वाउंड बहुत कम कम साउंड आ रहा है, क्योंकि ना यहाँ पता नहीं क्या सीन है, अभी साउंड वाउंड सब बंद बंद सा कर दिया, तो इसलिए ना जो भी होगा सब सुबह होगा यार, रात में सिर्फ नॉर्मल ही है सब जो है, बस लाइटिंग वाइटिंग है, देखो यहाँ पे लाइटिंग वाइटिंग ही है मतलब ना, बाकी जो होगा ना देखो डांस वांस जो भी होगा, नहाना धोना वो सब सुबह ही हो पाएगा, मुझे तो यही लग रहा है यार, क्योंकि अभी हम तो नॉर्मली आ गए, क्योंकि देखो रूम में बैठ के करेगी क्या, वेले थोड़े बैठेंगे, अब यहाँ पे आए तो घूमना है ना, तो बस घूमने भाई, फिर चाहे मज़ा आए ना आए, मतलब भाई मज़ा तो आ ही रहा है यार, ऐसे तो है नहीं मज़ा नहीं आ रहा, मज़ा किसको नहीं आ रहा भाई, मज़ा यार सबको आ रहा है यार, सर अभी चिल कर, देखो देखो चिल, देखो वो वो मेरे जूते जूते पड़े वहाँ पे, चल मछली चल मछली, देखो देखो भाई मुझे खुशी, मतलब मुझे इतनी खुशी होगी ना कि मैं अपना जूते रख के भूल गया, देखो इतनी दूर चला गया था, अब दोबारा जूते लेने आया, देखो शुक्रिया तो मुझे, शुक्रिया मुझे याद आ गया, वरना तो जूते गए थे आज मेरे, वरना फिर मुझे सुबह ढूंढना पड़ता यार, अभी मैं चीज खो गई, वो मिल कहा नहीं दोबारा भी भाई, साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे, तो मुझे सही टाइम पे याद आ गया, तो मैंने जूते ले लिए अपने, खैर बाकी अभी आके चलते थोड़ा बहुत, चलो भाई मलाइका मैम गिर गई, मलाइका मैम गिर गई, मलाइका मैम गिर गई, चलो
और आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। भैया चलते फिर अपने एक्सचेंज करते हैं। अभी सामने बैठी एक लड़की ने स्माइल दी थी तो अपन ने भी स्माइल दे दी थोड़ी बहुत, क्योंकि अपन का दिल बहुत बड़ा यार, अपन किसी को ईगो नहीं दिखाते, इसलिए उसने स्माइल दी तो हमने भी स्माइल दे दी। आगे एग्जिट हो रहा है, बाकी अभी चढ़े गए, सुबह आएंगे सुबह। आगे ना एक टीटोस लाइन आती है, क्या ना वहाँ पे बहुत पार्टी वार्टी बहुत ज़्यादा होती है, फिर वो नाइट में चलती है ना, तो देखते हैं वहाँ पे एक बार चक्कर लगा ही लेंगे यार, मज़ा तो आएगा। देखो साउंड तो आ ही रहा होगा आई थिंक। तो भाई हम ना पूरा सुबह सुबह हो चुकी है एकदम ना, तो हम चाय वाय पीने आए थे, तो चाय वाय तो पी लिए हमने, मतलब उसकी भी फूड नहीं कर पाया, भूल गया था दिमाग छूट गया। बट अभी हम इटली खाने आए, ठीक है सब, तो यहाँ पे सब वेट करें इटली के, भाई सब वेट करा भाई, इटली का वेट हो रहा है, भूख लग रही है, सबको भूख लग रही है। तो भाई यहाँ पे सब इटली खाने आए शुरू से एंड तक, वहाँ पे अंकल यहाँ पे बना रहे हैं। यहाँ पे ना एक प्लेट 60 रुपये की इडली थी, तीन इंच लगेगी बस, मतलब हमारे वहाँ दिल्ली में भाई 20 रुपये में काम हो जाता था, यहाँ 40 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहा है। बट कोई बात नहीं, इट्स फाइन भाई, बाहर आए तो भाई कितना करना पड़ेगा ना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या मेरे को मत दिखा। मैं पानी की तरफ। A few moments later. हमारे अरुण भाई ने एक बियर ली है, बियर है क्या ये भाई, सॉफ्ट ड्रिंक है, बियर है भाई को, थोड़ा चस्का था, शौक आ रहा भाई को ना पीने का, तो भाई ने एक बियर ली है। भाई बताओ भाई कैसा टेस्ट भाई तुम्हारा, भाई टेस्ट कैसा भाई, भाई सॉफ्ट ड्रिंक है भाई, टेस्ट क्या है, तिल्लोपुरी की तिल्लोपुरी ट्राय कर रखी हमने, खैर यहां पे भाई खेला खिला लिया भाई, है पुराने बंदे डाल दे भाई, कोई दिक्कत नहीं डाल दे, तेरे साथ बैठ के तो पिया मैंने भाई, सही खेल गए बेंच भाई। अपना सीधा बीच से ना बाहर आए थे घूमने, तो हमने सोचा बीच में क्या ही घूमेंगे, तो फिर हमने सोचा थोड़ा गोवा घूमते हैं, मजे लेते हैं। फिर हमने सोचा एक मतलब स्कूटी होना चाहिए, पैदल घूमे तो भाई सड़ जाएगी, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है यहाँ पे, तो फिर हमने भाई स्कूटी ली है, मैंने बोला हम सब ने स्कूटी ली है, देखो एक स्कूटी ये रही, एक ये रही, और दो बंदे भी आ गए, देखो एक ये रही है, और देखो वहाँ पे खड़े वहाँ भी स्कूटी, मतलब हमने चार पाँच स्कूटी, मतलब पाँच स्कूटी कम ले ली हमने। मैं बता दूँ वहाँ पे स्कूटी के प्राइस क्या है ना, यहाँ पे पर डे 500 रुपये का प्राइस है, तेल वेल अपना खुद खुद डलवाना, जो जितना कम डला सकते हो उतना इन्जॉय करो। बाकी भाई पुलिस ना यहाँ पे नुक्कड़ भाई, हर एक कोने पुलिस है यहाँ पे, सारी बात है, अगर कोई बिना हेलमेट के घूमेगा ना तो चलान जरूर कटेगा, क्योंकि भाई यहाँ का चलान है मोटा, मतलब तगड़ा लूटा जाएगा भाई को, तो भाई बोला अगर गाड़ी लो या स्कूटी लो तो भाई लाइसेंस और वो कहते हैं हेलमेट पहन के जरूर देना ना, अदरवाइज मैं ही घूमना। बाकी स्कूटी लोगों तो मज़ा ही आएगा घूमने की, भाई स्कूटी घूमने का भाई अलग ही भाई, अभी हम एक बंदे का इंतजार कर रहे हैं कि वो आएगा ना, तो उसके साथ हम सब जाएंगे। बाकी आगे चलते बहुत ही ज़्यादा गंदा सीन हो गया, क्या है ना, मैं तुम्हें बताया था कि भाई स्कूटी ली थी हमने,
तो इसमें ना लाइसेंस की रिक्वायरमेंट थी, तो लाइसेंस स्कूटी तो हमने ले ली थी। क्या हुआ अभी जुगाड़, हमने 5 स्कूटी ली थी, फिर 4 स्कूटी तो सेफ है हमारी, एक स्कूटी हमारी फंस चुकी है। वो हमने ना मतलब जो था ना हमारे ग्रुप के बंदा, उसको हमने ली दी थी। अब उसने एक स्कूटी फंसवा दी भाई, क्या सीन, बहुत दुनल हो गया। तो अपन ये देखो, ये चाह भाई थी, 1, 2, 3 स्कूटी तो सेफ है ऑलरेडी है ना, और एक स्कूटी अभी गई हुई बाहर, फिर 5 स्कूटी वो फंसी हुई है भाई, ठीक है। तो मतलब यादगार रह गए अभी ट्रिप जिंदगी भर। क्या भाई, गोवा गए थे और चलान कटवा गए हम गोवा में, मतलब हम दिल्ली में आज तक हमारा अभी चलान नहीं कटा, और गोवा में कट गया चलान। बट भाई किस्मत के जब लगे हो ना, तो क्या ही कर सकता। बट क्या है भाई, तुमको मैं एक ही चीज़ बताऊँगा कि भाई तुम अपना लाइसेंस और हेलमेट जरूर चेक करें, और डिग्गी में हेलमेट होता है ये बात याद रखना, क्योंकि ये बात हमें पता नहीं था, क्योंकि हेलमेट के चक्कर में सीन हुआ है। अब अगर तुम घर पर भी गाड़ी लो गोवा में, तो भाई डिग्गी जरूर चेक करना, क्योंकि डिग्गी में होता है हेलमेट, ठीक है। बाकी अभी आगे बने रहिए, अभी बताएंगे आगे क्या सीन हो रहा, क्या सीन छुट्टी की या नहीं छुट्टी की, बाकी आगे बताते हैं। अभी A few minutes later. तो गाइस, मैंने बताया था कि हमारा चलान कटा, तो भाई फाइनली हमारे भाई आ चुके चलान को भर के एकदम। भाई अडियो सेलिब्रेट, अडियो 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 भाई सकल दियो भाई, विमल कहां है ये भाई को, भाई थोड़ा इन भाई ने कहां के वाला भाई, कितने मिला के भाई, 2500 में काम हो गया भाई हमारा भाई, ये भी ठीक है। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं, एक रोड है, मतलब तुम ऐसे तो समझोगे नहीं, अपने शहर डियर जिंदगी वो मूवी है, शाहरुख खान है और आलिया भट्ट है, तो वहाँ पे जो एक शूट हुआ था उसी रोड पे हम देखो, यही वो रोड है जहाँ पे दोनों वो शूट हुई थी वो मूवी डीएस जिंदगी, तो उसी पे हम आए, थोड़ा यहाँ पे मजे किए हमने, बहुत ज़्यादा बहुत घूमे, थोड़ा धूप ज़्यादा हुई ना तो हमें जल्दी जाना पड़ रहा, बाकी तो शूट तो हमने थोड़ा कर ही लिया है, वीडियो देख लो। बाकी यहाँ पे बहुत सारे शूट हो रहे हैं, देखो यहाँ पे लड़के भी हैं, देखो सारे स्कूटी यहाँ पे भाई, मजा तो आ गया है गोवा वो घूमने में, इतना भी बुरा नहीं जा, यहाँ आ जाइए क्यों भाई, वरना एकदम छोटा हो जाएगा पूरा, है हाँ सर हो जाएगा सबके लिए, और अगर कोई एक्स्ट्रा मिलेगा तो फिर मिल जाएगा। अभी हम ना पंजी के रोड पे, देखो पंजी का रोड है पूरा यहाँ से यहाँ तक, तो ना हम स्कूटी पे घूम रहे थे, तो हमें लग गई भूख बहुत तेज वाली, तो हमने सोचा कुछ खाई लेते हैं, तो हमें यहाँ पे स्टॉल दिखा, यहाँ पे देखो ये स्टॉल यहाँ पे, तो यहाँ पे पाव भाजी बहुत प्यारी मिलती है सुना हमने, तो हम एक बार ट्राई करते हैं पाव भाजी पर। तो ये भाई ना, ये भाई जो है भाई, भाई पाव भाजी वाजी बना रहे हैं, पाव भी सेक रहे हैं, गोवा की हवा में नशा है, गोवा की हवा में बदबू फैला देंगे भाई। आप इतने अलग बैठ के क्यों खा रहे हो ना, आई एम इंट्रोवर्ट ब्रो, ठीक है समझ गया भाई। अपन ना चला पाव भाजी वाव जी खा के ना एकदम सेट वेट होके सीधा पंजी की साइड निकल गए थे, जिससे आपको पता है कि हम लोग पंजी की साइड जाते, तो रास्ते में हमें स्टॉल मिल गए, जिससे हमने खाना खाया था कुछ, फिर वहाँ से सीधा निकले, अब हम आए पंजी के फेमस चर्च पे, जहाँ पे आपने बहुत सारी मूवी यार शूट वूट हुई है, जिसमें देखी होगी, जैसे सिम्बा हो गया, सिंगम रिटर्न हो गया, बहुत सारी है, दिलवाले हो गया, तो बाकी मैं दिखाने वाला हूँ ये चर्च, बहुत प्यारा चर्च है, देखो पीछे देखो बहुत प्यारा चर्च। ये पूरी एंट्री है, यहाँ फोटोशूट चल रहा है अभी, एक यहाँ से एक एंट्री है और एक यहाँ से एंट्री है, मतलब यहाँ से तो बंद कर रखिए फिलहाल, यहाँ से एक एंट्री है, आई प्रैंक हो गया आपके साथ, तो यहाँ से भी बंद है, बाय गॉड हमारी किस्मत में नहीं लिखा ऊपर जाना, बट खैर आप बीच ही देख लीजिए, ज़्यादा ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि यहाँ से नो एंट्री का बोर्ड है, वहाँ भी नो एंट्री बोर्ड है, बट ठीक है यार, नॉर्मल घूमने लायक ठीक है जगह है। बाकी ये इसका फ्रंट है, इसका वो बैठे अपने स्क्वाड, एक बात बताओ ये बंद क्यों यहाँ से है, काम चल रहा है, रेनोवेशन हो रहा है। अच्छा रेनोवेशन चल रहा है, कब तक होगा ये फ्री है, 6 महीने के बाद,
तो भैया तो मैंने एक अंकल से पूछा, उन्होंने बताया कि यहाँ पे ना रेनोवेशन का काम चल रहा है, इसलिए यहाँ पे 90 का बोर्ड लगा है, मतलब बंद रास्ता, मतलब अराउंड छः महीने लगेंगे इसको ऑन होने में, इसके बाद ऊपर की एंट्री खुल जाएगी, तो 6 महीने बाद अगर जो आओ तो एक बार चश्मा आना, तो इसके आप ऊपर भी ऑब्जर्व कर सकते हो, जाके देख सकते हो, फोटो वोटो क्लिक कर सकते हो। बाकी हमारी जो किस्मत ख़राब है तो हमें इतना ही मिला है देखने के लिए, बाकी आगे अभी चलेंगे तो और कुछ जहाँ जहाँ जा रहे हैं वो चीज़ आपको दिखाते रहे हैं। इसके बच्चे का नाम पूपा। आपने पाद देखा है? ये रहा पाद, ये पाद देखा, ये पाद है, पाद ये हमारा कालू, कालू हाय मेरा कालू, हाय मेरा ये कालू, इसका निकनेम है पू, उल्लू, क्या नाम है जो रात में जाएगी, पू पू ए काले कुत्ते का गू ले ले, क्या बढ़िया था गुरु, ये मेरा लू, ये बोल रहा उल्टा बाल तो है ओए गंजे, हाथ तो पिटेगा आज उतारो, मैं कोई गाली बकी जमा हूं, मजे ले रहा था, नहीं मैंने कोई गाली बकी, नहीं मैंने कोई गाली बकी, किल लिख गया मजाक मत करो, ओए ओए नसीम मत, आई डोंट किल लिख गए मजाक, तू रुक जा एक मिनट, एक किल लिख गया कोई नहीं दिख रहा, तू चुप हो जा, चुप हो जा एक मिनट, सीधा तुम के मत जली ना, तेरी भी जली ना, आज चुप हो जा, ओ भाई ओ भाई, ओ पा ले यार, चल ले, a few moments later